फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो के। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 12 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को दुनिया भर में यानी विश्व भर में मनाया जाता है। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगल इन्हीं की याद में या इन्हीं की जयंती में इस दिन को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल, इनके बारे में बात आई है, ये इन्हें लेडी विद द लैम्प और साथ ही इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में आपको इन दो फैक्ट को याद रखना है। लेडी विद द लैम्प ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है, आपको याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगल, इन्हीं को लेडी विद द लैम्प कहते हैं। अब 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की आपको थीम याद रखनी है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये थीम COVID-19 पर बेस्ड है और इससे पहले WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया था। अब ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज, किसके? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज के द्वारा मनाया जाता है। इससे पहले नाइटिंगल इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, इस पुरस्कार से पहली ये औरत हैं जिन्हें इसे सम्मानित किया गया था, और 1907 में ये इसे पाने वाली पहली महिलाएं हैं। अब भाई बात आई है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की, इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेस के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एनेट केनेडी। कौन है? एनेट केनेडी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार नामक एक योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इसे 11 मंडल, याद रखना है, 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। साथ ही इस योजना के लिए डायल 100 वाहन के FIR को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इसका पर्पज क्या है? FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च करने का पर्पज है, स्पॉट पे ही जितने भी स्पॉट होते हैं, जहाँ पे जो केसेस होते हैं, जहाँ पे पुलिस आती है, वहीं पर स्पॉट पर FIR को दर्ज करना, ये इसका उद्देश्य है, बजाय पुलिस स्टेशन के। आपको पता है अभी आप नॉर्मली कंप्लेन करनी होती है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो, लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश में आपको कहीं भी कंप्लेन करनी होगी तो स्पॉट पर ही आप कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और लाल जी टंडन, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में एक है बांधोगढ़ नेशनल पार्क, आपको याद रखना है बांधोगढ़ नेशनल पार्क, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, जैसे कान्हा हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन बांधोगढ़ नेशनल पार्क के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश ने संजीवनी वाहन को विकसित किया था। अभी संजीवनी वाहन क्या है?
इस वाहन के अंदर डॉक्टर रहेंगे जो मरीजों का देखभाल करेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण के 50-50 ग्राम का पैकेट आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर 11 रुपये पर मास्क में गवर्नमेंट को बेच सकेंगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप भी लॉन्च किया गया और ये ऐप स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर है। इसके अलावा संकल्प योजना, जो कि अभी विशेष रूप से उमरिया ज़िले में शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है बुज़ुर्गों के लिए सहायता प्रदान करना। आपको मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी तो याद रखनी ही रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में MHRD मंत्रालय ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, MHRD मंत्रालय। ये हेल्पलाइन सेवा COVID-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही इसका मुख्य लक्ष्य उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और उनके पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। अब बात आई है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और श्री गणेशी लाल, ये उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। उड़ीसा में है वेलर द्वीप और इसी का हाल ही में नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा उड़ीसा में एक नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्या नाम है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उड़ीसा में है चिल्का झील। चिल्का झील आपको याद रखना है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजा रंगप्पा नाइक का निधन हुआ, वो कौन थे? राजा रंगप्पा नाइक ये एक प्रतिष्ठित राजनीतिक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, राजनीतिक। ये पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। 1996 में 1996 में ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के थे। आपको इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है, ये कर्नाटक के थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अबीब की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखने का फैसला लिया है? अभी हाल ही में इजराइल गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि रविंद्र टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अबीब की एक सड़क है उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इजराइल। इजराइल ने 8 मई को, कब? 8 मई को, जब इनकी पूर्ण जयंती थी उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से और फैक्ट के साथ बताया था। 8 मई को इसराइल ने ये घोषणा की है कि प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती, इस बार अभी हाल ही में 8 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। इन्हीं की 159वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस तेल अबीब की सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही इन्हें इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले इनके बांग्लादेश और भारत, इन दो देशों का जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय गान है वो इन्हीं के द्वारा, इंडिया में है जन गण मन और बांग्लादेश में है अमार सुमार बांग्ला, आपको याद रखना है। इन दोनों का लेखन इन्होंने किया था और दोनों का लेखन इन्होंने बंगाली भाषा में किया था। इसके अलावा कई उपन्यास हैं, कई कविताएं हैं, कहानियां हैं और नाटक भी इन्होंने बंगाली भाषा में लिखे थे। 1913 में, कब? 1913 यानी 1913 में ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कवि भी हैं। अब बात आई है इसराइल की। इसराइल की कैपिटल यरूशलम, इसराइल की करेंसी इसराइल सेकेल और इसराइल की वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? अभी हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दीपा मलिक। पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में
एक पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है। साथ ही ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने शानदार कैरियर में कुल इन्होंने 58 क्या लिखना है 58 राष्ट्रीय ये नेशनल और 23 इंटरनेशनल पदक जीतने वाली ये पैरा एथलीट हैं। नेशनल स्पोर्ट कोड के अनुसार एक प्रोटोकॉल है कि एक एक्टिव एथलीट किसी भी फेडरेशन में ऑफिशियली कार्य नहीं कर सकता या वो उच्च पद पे नहीं रह सकता है। अब भारतीय पैरालंपिक एथलीट की बात आई तो भारतीय पैरालंपिक एथलीट इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसके वर्तमान समय के महासचिव हैं गुरुशरण सिंह। कौन हैं गुरुशरण सिंह? ये वर्तमान समय में भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस कार निर्माता कंपनी ने आवन ऑनलाइन, ये एक पोर्टल है आवन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आवन ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, महिंद्रा। इंडिया की कार मैन्युफैक्चर कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसी ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु आवन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गाड़ियों की ऑनलाइन सेलिंग करना और साथ ही वर्तमान समय में आपको याद रखना है नोबेल कोरोना वायरस से जितने भी ग्राहक परेशान हैं उन अपने महिंद्रा की ग्राहकों को फाइनेंस, बीमा, एक्सचेंज, एक्सेसरीज और वाहन खरीदने में सक्षम बनाना। 1945 में आपको बता दूँ 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना की गई थी, लेकिन 3 साल बाद 1948 में ही 1948 में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया था। इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं पवन गोयनका। कौन है पवन गोयनका? ये वर्तमान समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी और सीईओ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? अभी हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी, इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है। आनंद कुमार अब इन्हें संस्कृति मंत्रालय, याद रखना है आनंद कुमार को संस्कृत मंत्रालय के सचिव के पद में नियुक्त किया गया है। ये इनके बारे में इंदु शेखर चतुर्वेदी, ये 1987 के झारखंड बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा अब बात आई है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। अब मैंने आपको इससे पहले 3 और अपॉइंटमेंट हुई थी उनके बारे में बताया था, चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है, एक हैं गिरिधर अरिमाने यहाँ पे ऑप्शन बी में और एक हैं डी अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह इन्हें MSME किसके MSME मंत्रालय का, यहाँ नहीं आ रहा है, देखिए ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, MSME मंत्रालय का इन्हें सचिव बनाया गया है अरविंद कुमार सिंह को। साथ ही गिरिधर अरमाने को वर्तमान समय में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का वर्तमान सचिव बनाया गया है। इनके अलावा एक और हैं जिनका नाम है अजय कीर्ति, आपको नाम याद रखना है, इसके बारे में जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो मैंने आपको बताया था अजय कीर्ति, इन्हें वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। तो आनंद कुमार ये बन गए हैं वर्तमान समय की संस्कृत मंत्रालय के, गिरिधर अरमाने इनके बारे में ये सड़क एवं परिवहन की, इंदु शेखर चतुर्वेदी ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं, अरविंद कुमार सिंह ये MSME मंत्रालय के सचिव बने हैं और अजय कीर्ति ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया गया? 10 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, ये प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। कब? मई के प्रत्येक वर्ष दूसरे संडे को मनाया जाता है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था,
लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत ने कितने द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नामक एक मिशन की शुरुआत की है। चार ऑप्शन हैं, 3, 5, 2 और 10। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। साथ ही अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक साथ सारे वीडियोज़ की पीडीएफ उसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का उसका भी मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है। अगर आपको तुरंत वीडियो की क्विकली अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।